मेरे प्यारे देशवासियों, 12 नवंबर 2019 यह वो दिन है जिस दिन दुनिया भर में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा। गुरु नानक देव जी का प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। दुनिया के कई देशों में हमारे सिख भाई बहन बसे हुए हैं जो गुरु नानक देव जी के आदर्शों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। मैं वैनकूवर और तेहरान में गुरुद्वारों की अपनी यात्राओं को कभी नहीं भूल सकता। श्री गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मन की बात के कई एपिसोड लग जाएंगे। उन्होंने सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा। गुरु नानक देव जी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई कीमत नहीं हो सकती। वे छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहे। श्री गुरु नानक देव जी ने अपना संदेश दुनिया में दूर दूर तक पहुंचाया। वे अपने समय में सबसे अधिक यात्रा करने वालों में से थे। कई स्थानों पर गए और जहां भी गए वहां अपनी सरलता, विनम्रता, सादगी, उन्होंने सबका दिल जीत लिया। गुरु नानक देव जी ने कई महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएं की जिन्हें उदासी कहा जाता है। सद्भावना और समानता का संदेश लेकर वे उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हर दिशा में गए, हर जगह लोगों से, संतों और ऋषियों से मिले। माना जाता है कि असम के सुविख्यात संत शंकरदेव भी उनसे प्रेरित हुए थे। उन्होंने हरिद्वार की पवित्र भूमि की यात्रा की। काशी में एक पवित्र स्थल गुरुबाग गुरुद्वारा है। ऐसा कहा जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी वहां रुके थे। वे बौद्ध धर्म से जुड़ी राजगीर और गया जैसे धार्मिक स्थानों पर भी गए थे। दक्षिण में गुरु नानक देव जी श्रीलंका तक की यात्रा की। कर्नाटका में बिदर की यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी ने ही वहां पानी की समस्या का समाधान किया था। बिदर में गुरु नानक जीरा साहब नाम का एक प्रसिद्ध स्थल है जो गुरु नानक देव जी की हमें याद भी दिलाता है, उन्हीं को ये समर्पित है। एक उदासी के दौरान गुरु नानक जी ने उत्तर में कश्मीर और उसके आसपास के इलाके की भी यात्रा की। इससे सिख अनुयायियों और कश्मीर के बीच काफी मजबूत संबंध स्थापित हुआ। गुरु नानक देव जी तिब्बत भी गए जहां के लोगों ने उन्हें गुरु माना। वे उज्बेकिस्तान में भी पूजनीय है जहां उन्होंने यात्रा की थी। अपनी एक उदासी के दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लामिक देशों की भी यात्रा की थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक और अफगानिस्तान भी शामिल है। वे लाखों लोगों के दिलों में बसे जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उनके उपदेशों का अनुसरण किया और आज भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही करीब 85 देशों के 85 कंट्रीज के राजदूत दिल्ली से अमृतसर गए थे। वहां उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए और ये सब गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के निमित्त हुआ था। वहां इन सारे राजदूतों ने गोल्डन टेम्पल के दर्शन तो किए ही, उन्हें सिख परंपरा, संस्कृति के बारे में भी जानने का अवसर मिला। इसके बाद कई राजदूतों ने सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें साझा की, बड़े गौरवपूर्वक अच्छे अनुभवों को भी लिखा। मेरी कामना है कि गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व हमें उनके विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की और अधिक प्रेरणा दे। एक बार फिर मैं शीश झुकाकर गुरु नानक देव जी को नमन करता हूँ।